नमस्कार, इजी कुकिंग एंड मोर चैनल पर मैं प्रिया आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी रिपब्लिक डे। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मेरे बेटे के स्कूल में आज ट्राइकलर फूड कॉम्पिटिशन है। मैंने उसके लिए ये 3 रंगों वाला मैक्रोनी पास्ता बनाया है, तो मैंने सोचा जब मैं ये बना ही रही हूँ तो मैं ये रेसिपी शेयर कर लूँ ताकि आपको एक हेल्प मिल जाए। तो चलिए देखते हैं ट्राई कलर मैक्रोनी पास्ता की रेसिपी। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 2 कप मैक्रोनी। आपको जितने मैक्रोनी की ज़रूरत हो आप उतना ही लें। मैंने मैक्रोनी को उबालने के लिए यहाँ पर भगोने में पानी रखा है। पानी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लें। मैक्रोनी को उबालने के लिए मैंने यहाँ पर 2.5 चम्मच नमक डाला है। इसे ऐसे चलाकर पकने देंगे। मीडियम फ्लेम पे लगभग 10 मिनट तक उबलने के बाद ही मैक्रोनी हो पाएगा। तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। आप ट्राई कलर फूड में सैलड भी दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे जैसे डेकोरेट करने के लिए ये मूली, गाजर और खीरा लिया है। आप इससे सैलड भी बना के बच्चे को दे सकते हैं। मैं यहाँ पे डेकोरेट करने के लिए इसे इस शेप में काट रही हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ ये हार्ट शेप में कटे, इसके लिए मैंने इसे ऐसे काटा है जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। मैक्रोनी पे भी ध्यान दें, बीच में उसे चलाते रहें ताकि वो चिपके नहीं। इस तरह से आप मैक्रोनी पास्ता को पहले से भी बॉईल करके रख सकते हैं, जिससे कि इसे जब बनाना हो तो बहुत कम समय में यह बनकर तैयार हो जाए। गाजर को भी हम वैसे ही काट लेंगे, बीच से ऐसे एक स्प्लिट निकाल लेंगे। और इसे ऐसे कट कर लेंगे थोड़ा शेप देने के लिए। सेम ऐसे ही मैंने खीरे को भी काट लिया है। आप देख सकते हैं ऐसा। यहाँ मैक्रोनी भी अच्छे से उबलकर पक चुका है। अब इसे छानकर अलग रख लेंगे। ऐसे बर्तन में, जाली वाले बर्तन में डालें जिससे कि मैक्रोनी पानी से अलग हो जाए। अब या तो मैक्रोनी को ज़्यादा देर रखना है तो आप ठंडे पानी से इसे वॉश कर लें, फिर इसमें रिफाइंड ऑयल मिलाएं। ऐसे मुझे अभी ही बनाना है, लेकिन 1/2 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल लेकर मैक्रोनी में, उबले हुए मैक्रोनी पे डाल देना है और इसे मिला देना है जिससे कि मैक्रोनी एक दूसरे से चिपकेगा नहीं। मुझे ट्राई कलर मैक्रोनी पास्ता बनाना है इसलिए मैं इसे 3 भाग में डिवाइड कर लूँगी। मैंने इसे 3 कटोरे में अलग अलग रख लिया है बराबर मात्रा में। 1/2 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल गर्म कढ़ाही में डालेंगे और इसे अच्छे से कढ़ाही में चारों तरफ फैला देंगे। अब इसमें मैक्रोनी डाल देंगे। ध्यान रहे कढ़ाही गर्म होना चाहिए और तेल भी गर्म होना चाहिए। अब इसे 1 मिनट तक चलाएंगे ऐसे। स्वादानुसार थोड़ा सा नमक डाल देंगे। ये वाला मैंने व्हाइट मैक्रोनी पास्ता के लिए किया है, इसलिए मैं इसमें 1 टेबल स्पून मेयोनीज डाल रही हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने ओरिगैनो डाला है। अगर ओरिगैनो ना हो तो परेशान ना हो, आप काली मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। काली मिर्च पाउडर डालने से इसका फ्लेवर अच्छा आता है, लेकिन हल्का ही डालें ताकि इसका कलर चेंज ना हो, वाइट ही रहे। आप देख सकते हैं हमारा इतना जल्दी एक कलर का मैक्रोनी पास्ता तैयार हो गया है। अब इसे हम निकाल लेंगे और इसी कढ़ाही में फिर दूसरे
के लिए हम फिर से आधा टेबल स्पून या उससे बहुत कम ही मात्रा में रिफाइंड ऑयल लेंगे और फिर मैक्रोनी पास्ता का दूसरा हिस्सा, बॉईल किए हुए मैक्रोनी का दूसरा हिस्सा इसमें डालेंगे। इसे भी अच्छे से 30 से 45 सेकेंड तक भून के फिर इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। इसमें अब इसे ऑरेंज कलर देने के लिए टोमेटो सॉस या कोई पास्ता सॉस या फिर आपने टमाटर की चटनी बनाई हो वो डाल दें, इसका बहुत सुंदर सा ऑरेंज कलर आ जाएगा। थोड़ा सा ऑरिगेनो डाल दें, नहीं हो तो वैसे ही आप काली मिर्च पाउडर डाल सकते हैं। और ये 1.5 से 2 मिनट में हमारा ऑरेंज कलर का मैक्रोनी पास्ता भी तैयार हो गया। अब मैं इसे निकाल लूंगी। इसी कढ़ाई में अब तीसरे कलर का मैक्रोनी पास्ता बनाना है। इसमें फिर से थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डालेंगे और ग्रीन कलर के लिए मैंने यहाँ पर धनिया का पत्ता और एक गार्लिक के कली को मैंने अच्छे से पेस्ट बना लिया था। आप हरी चटनी डाल सकते हैं इसकी जगह पर, लेकिन अगर बच्चे के लिए बना रहे हैं तो ध्यान रहे उसमें मिर्च ना डालें। इसे 10 सेकेंड भुनने के बाद इसमें मैक्रोनी ऐड कर देंगे, थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे। तीनों कलर की मैक्रोनी बनकर तैयार है। चलिए इसे अपने तिरंगे झंडे के रंग के अनुसार ही इसे चलिए अच्छे से सजा लेते हैं प्लेट में। बीच में मैंने सफेद मैक्रोनी पास्ता डाला है। सफेद के बगल में एक साइड हम ऑरेंज कलर का मैक्रोनी पास्ता डालेंगे और सफेद मैक्रोनी के दूसरे साइड में हम अपना ग्रीन मैक्रोनी पास्ता डालेंगे। आप देख सकते हैं यह कितना सुंदर दिख रहा है। एक तो ये ऐसा फूड है कि सारे बच्चों को पसंद आता है। इसे थोड़ा हेल्दी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़े से सैलेड भी डाल दिए हैं। बच्चे अच्छे से डेकोरेट किया हुआ चीज आराम से खा लेते हैं। मैंने यहाँ पर खीरे, मूली और गाजर को ऐसे सजा दिया है। हम इसे दूसरे तरीके से भी सर्व कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इस तरह का एक कप लिया है और इसमें सबसे पहले नीचे ऐसे ग्रीन पास्ता डाल दिया, उसके ऊपर व्हाइट पास्ता डाल दिया है और सबसे ऊपर ऑरेंज कलर का पास्ता डाला है, जिससे ये हमारे झंडे के कलर में नीचे हरा, बीच में सफेद और ऊपर केसरिया दिखाई दे। इसे भी डेकोरेट करने के लिए मैं यहाँ पर सैलेड यूज कर रही हूँ। आप देख सकते हैं ये भी बहुत ही अट्रैक्टिव दिख रहा है। मेरे बेटे का तो ये कंपटीशन हो गया 25 जनवरी को ही और वो बहुत खुश था इसे लेकर। तो आप भी इसे ट्राई करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो फिर मिलती हूँ नई रेसिपी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम। हैप्पी रिपब्लिक डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।